नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अभ्यास बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही लाभ देगा और बहुत ही आपके गले में एक ऐसा, मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि आपका गला ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत ही अच्छा गा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है आपको करना है कैसे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस अभ्यास में है क्या और आपको करना है क्या है। और ये सब बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऐसा है कि मैं आपको एक एक ऐसा पलटा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही पलटा दूंगा मैं आपको, और वो पलटे को करना कैसे, पलटा कैसे करना है कि आपको पहले उसको बिलावल थाट में करना है, फिर अपने जैसे जैसे 10 थाट है हमारे, पहले बिलावल थाट करेंगे, फिर भैरव थाट, फिर भैरवी, ऐसे ही कल्याण, खमाज, पूर्वी। ठीक है, ऐसे 10 थाट में करना वो पलटा, और 12 स्केल से करना है। ठीक है, यानी कि पहले वो पलटा पहले यहाँ से बजाएंगे, फिर यहाँ से, सारे के सारे स्केल से, यानी कि 5 काले और 7 सफ़ेद सभी स्केल से करना है। ठीक है, अभी वो पलटा जानते हैं क्या है। देखिए, ये जो पलटा मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये गले की तैयारी और हारमोनियम पे उंगलियों की स्पीड लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी उंगलियों में भी जान आ जाएगी और आपकी गायकी में तो दमदार गायकी होगी ही होगी। अभी मैं आपको इसका जो जो पलटा बताने जा रहा हूँ, इसका जो नोटेशन है आपको नीचे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये पलटा वहाँ पे लिख दूंगा। चलिए जानते हैं। अभी पलटा मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ ये है बिलावल थाट में। देखिए कैसे, पहले मैं बिल्कुल स्लो स्लो बजाऊंगा। देखिए करना क्या है, सा ग सा ग सा ग म ग रे सा, नी रे गा रे सा नी, सा ग सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा गा पा मा गा रे सा सा सा। बस ये पलटा है, ये आपको एक ही, मतलब कि एक राइम आप बोल लीजिए। जैसे आपको शायद ये मैं बताना चाहूँगा, आपने शायद देखा होगा आपके जो पियानो होते, जो कैसियो कोई कीबोर्ड होते, उसमें एक ना धुन होती है जो ऑटोमेटिकली, जो एक रिदम सॉन्ग होते हैं, अगर वो उनको चला दे तो ऑटोमेटिकली आपके रॉन्ग सॉन्ग जो गाने बजते, टन 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 टन, ये वो ही उसी तरीके का एक पैटर्न है जो कि एक अलंकार या एक पलटा बोल लीजिए आप। ठीक है, अभी उसी को हम, इसको करना है कैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी नोटिशन आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी आप तरीका समझ लिए, आपको सबसे पहला जो इसको स्लो स्लो सीखिए, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले याद करेंगे तभी आप उस स्पीड में बजा पाएंगे। पहले बिल्कुल स्पीड, जो याद करने का तरीका रहेगा ऐसे रहेगा, सा ग सा ग सा ग म ग रे सा, फिर नी रे गा रे सा नी, सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा गा पा मा गा रे सा सा सा। ठीक है, अभी जब आपको ये याद हो जाए फिर आगे इसको किस स्पीड में बजाना है ये देखिए, सा ग सा ग सा ग म ग रे सा नी 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 गा रे सा नी सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा ग पा मा ग रे सा सा सा। ठीक है, ये स्पीड में चलेगा। इस स्पीड में जब आपका ये अच्छे से याद हो जाए ना, तो इस स्पीड में कम से कम आपको 20 से 25 बार कंटिन्यूसली बजाना है। जैसे अभी देखिए, जैसे मैं अभी आपको 2-3 बार बजा के दिखाता हूँ, सा ग सा ग सा ग म ग रे सा नी रे नी रे गा रे सा नी सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा ग पा मा ग रे सा 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 सा। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको 20 से 25 बार बजाना है इस स्पीड पे। ठीक है, जब ये स्पीड हो जाए फिर आप इसको और तेज करेंगे, सा ग सा ग म ग रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा ग रे सा 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 ग सा ग सा ग म ग रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सा ग सा ग सा रे ग म प, धा पा मा ग रे सा सा सा।
इस स्पीड में अभी आपको 20 से 25 बार बजाना है। जब ये चीज हो जाए ना तो मतलब आपका ये अलंकार परफेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको चेंज कर देना, स्केल चेंज कर देना, ठीक है। अभी इसी को हम दूसरी काली से तैयार करेंगे। ये मैं बजा रहा था बिलावल थाट में, तो अभी यहां से भी हम दूसरी काली में बिलावल थाट, पहले बिलावल थाट बना के देखेंगे। सारे गा मा ब द नि सा, तो ये अपना बिलावल थाट। अभी यहां से देखेंगे सा गा सा गा सा गा मा ग रे सा नी रे नी रे नी रे ग रे सा नी सा गा सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा सा सा। इसी तरीके से आपको स्केल से प्रैक्टिस करना है, इसी तरीके से फिर आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना, यानी कि 12 के 12 स्केल से आपको इसको कन्फर्म करना है। ये कन्फर्म हो गया, आपको काफ़ी हद तक आपका गला जो काफ़ी है तो ऐसे स्मूथ हो जाएगा, एकदम मलाई की तरह हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाए फिर दूसरा थाट पकड़ी, भैरव थाट पकड़ी, भैरव थाट में करिए उसको, फिर कल्याण थाट पकड़िए, भैरवी थाट पकड़िए, पूर्वी थाट पकड़िए, जो हमारे 10 थाट हैं उनको उन पर ये इम्प्लीमेंट करिए। ये जो मैं सही ढंग से बोलूँ तो आपका ये जो काम है ना सिर्फ 4 से 5 दिन का काम है। अगर आप 4 से 5 दिन इसको लगातार ऐसे पेल के बजा देना, जिसको कहते हैं ना पूरा ऐसे लस्सी निकाल दो इस चीज़ की, तो मैं गारंटेड आपको लिख के दे देता हूँ, इस चीज़ की गारंटी मार देता हूँ आपको, ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा देगी, गायकी में आपका गला बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगा, पूरी गले में जान आ जाएगी और बजाने में स्पीड आ जाएगी। तो ये गारंटेड रियाज है, करके देखिए इसको, सिर्फ 4 से 5 दिन की बात है, आप 4 से 5 दिन आप निकाल के देख सकते हैं इसको, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। ये तो मैंने आपको कहना कह नहीं रहा कि 4-5 साल आपको इसी को बजाना, सिर्फ 4 दिन की मैं कह रहा हूँ, 4 दिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 4 से 2 दिन में आपको इसका, 2 दिन में आपको इसका रिजल्ट पता शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है, आप इसको 1 हफ्ता पूरा खींच के बजा के देखिए, और 1 हफ्ता रियाज करने के बाद मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको क्या इस चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर कोई नहीं बताता, तरीका यही है। आप इसको अभ्यास करके देखिए और इसका मज़ा लेके देखिए, आपको इसमें आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले ये आपको भी नहीं पता। बस इसमें क्या कि स्पीड लीजिए अपनी, जितनी स्पीड आप कर सकते हैं इसको, भले आप और तेज़ कर दिए। अभी देखिए जैसे मैं कोई और तेज़ करके दिखा, सागा 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 मगा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सागा 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 सा रे गा मा पा धा पा मगा रे सा सा सा। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको कितनी स्पीड में और बजा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर एक स्पीड में उसको स्केल, आपकी उंगलियाँ चलेंगी कैसे नहीं, आप खुद सोचो। अगर आप इतनी स्पीड में हारमोनियम पे ये पलटा सारे स्केल्स से करते हो, हर एक 12 के 12 स्केल से करने हैं, ये तो मैं है नहीं कि आपको 50 पलटे दे रहा हूँ जो 100 पलटे दे रहा हूँ, आपको एक ही पलटा दे रहा हूँ, एक ही ऐसा अभ्यास बता रहा हूँ, उसी को आपको इतनी स्पीड में करना है कि आपकी उंगलियाँ ना चलने का मतलब जब सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तरीका है रियाज करने का, आप एक चीज़ पकड़ो उसी को अच्छे से करो, बजाए उसके 100 चीज़ों को पकड़े और उसको करें, ठीक है। एक चीज़ को पकड़ लें और उसी को अच्छे से कर दें, ताकि आपको ज़िंदगी में दोबारा इन चीज़ों को, मतलब कि इन पे ज़्यादा सर खपाई, ज़्यादा माथा फोड़ी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये रियाज करना सिर्फ आपको, रियाज मैंने बता दी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, जो पलटा मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसकी नोटेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप क्या करें, सबसे पहले उस पलटे को अपनी कॉपी या अपनी डायरी जहाँ पे भी आप अपना संगीत के नोट्स उतारते हैं, आप वहाँ पे उसको पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है आप उसको अलंकार को उतारिए, दूसरा स्टेप है आपको वो अलंकार 10 थाट में बजाना है, ये जो सॉरी पलटा या अलंकार जो भी है, जो अभ्यास है, इसको 10 थाट में बजाना है, ठीक है। 10 थाट में, जैसे कि अभी मैंने ये पलटा पहले बिलावल में बजा के दिखाया, बिलावल थाट पकड़ा मैंने, बिलावल थाट पकड़ने के बाद जब मैंने इसको बिलावल थाट में अच्छे से पहले स्केल से बजा लिया, फिर दूसरी काली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी, तो 12 स्केल बजाने के बाद ही ये आपका जो पहला थाट का स्टेप, पहला स्टेप खत्म होगा। जब ये सारा प्रोसेस हो जाए फिर दूसरे थाट पे जाना है, भैरव थाट पकड़िए या भैरवी थाट पकड़िए, इसी तरह ये थाट पकड़ते जाए, टोटल 10 थाट में करके देखिए। तो ये जो सारा काम है आपका, वैसे देखा जाए तो ये 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आपको 7 दिन लग जाएंगे, अगर थोड़े एडवांस हो तो ये आपके लिए 2 से 3 दिन का काम है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में ना आप इसका रिजल्ट देखिए और आप खुद बोलेंगे कि हाँ जो सर आपने बात बताई वाकई उस बात में जान थी। तो बस यही काम है और कुछ नहीं करना, इसमें आपकी गायकी भी इम्प्रूव हो जाएगी, बजाना भी आ जाएगा और आपको सुर की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके सुर बहुत पक्के हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा अभ्यास है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो, अगर मेरी बात में आपको बहुत ही लग रहा है कि हाँ वाकई सर ने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई, तो आप इस चीज़ को एक बार अभ्यास करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जैसे और जो सीखने वाले लोग हैं उनको भी इन बातों का पता चल सके, ताकि वो भी अपना एक रियाज, बहुत अच्छा रियाज बना सके। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।